मोहित कुछ भी करो लेकिन आज के आज पैसों का इंतजाम कर दो। चोरी करो, डाका डालो, उधारी करो, मुझे नहीं पता। अगर आज तुमने ये पैसे नहीं लाए ना तो जो टोकन की अमाउंट मैं अपने सेविंग से दी है ना वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। कोमल, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम मुझे थोड़ा तो टाइम दो। और कितना टाइम मोहित, बहुत हो गया, बहुत टाइम दिया तुम्हें। अगर ये फ्लैट हाथ से निकल जाएगा ना तो कल मैं सड़क पे आ जाऊंगी। और ये सब बहानेबाजी अपने बीवी के सामने, मेरे सामने नहीं, समझे? पर मेरी मैडम जी, पीसीओ से कॉल आया था कि इस कुएं में किसी की लाश पड़ी है, पर उसने अपना नाम नहीं बताया। आत्महत्या का मामला लगता है। डेड बॉडी को सावधानी से निकलवा, किसी को भी कोई चीज छूने मत देना। ये लाश को सबसे पहले किसने देखा? शायद किसी लोकल आदमी ने। मैडम, हमें चौकी पर एक फोन आया था। यहाँ इतने लोग क्यों हैं? ये गांव वालों को उठाओ यहाँ से। जी। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दो। ठीक है मैडम। इसके फोटोग्राफ्स लो, सारे एंगल से अच्छे से। और इसका पर्स और पॉकेट वगैरह चेक करो अच्छे से, हो सकता है कुछ मिल जाए। तो अच्छे परिवार का रहा है, बीवी से तंग आकर जान ली होगी। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, उसके बहुत सारा कर्जा हुआ और वक्त पे दे नहीं पाया होगा, इसलिए उसने आत्महत्या किया लगता है। और आजकल ऐसे केस तो बहुत आती है। और एक गया,
सर मोहित राठी करके है कोई, पर उसमें एड्रेस भी है। मैडम इसकी पहचान हो चुकी है, कोई मोहित राठी नाम का आदमी। इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दे क्या? नहीं, घर पर फोन करने की जरूरत नहीं है। मेरे देवर है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए और यहाँ दो कॉन्स्टेबल लगा दो। जब तक जांच पड़ताल नहीं हो जाती तब तक कोई कोई अपने ना पाए यहाँ पर। ओके, चलो इन्हें ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। सबको क्या कहूंगी बाबू से, अमली से और परी। बाबू देख नहीं है, असली पिस्तौल मेरे सिर पे लगा दी इन्होंने। गोली चल जाती मैं तो चुप, कुछ ना होगा थारे को। रे मारी उम्र भी थारे को लग जाए, कुछ ना होगा थारे को। कहाँ गए सब? अच्छा आप आ गई। आपको पता है दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ? वो लाली मांडी की सगाई में चक्कर खा के गिर गई। ताऊ जी और पापा सब लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। ऐसी हालत में मैं कैसे भावों और परिवार वालों को मोहित भैया की मौत की खबर बता पाऊंगी? मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ, घर पर रहना, ध्यान रख। Thank you.
इन्हें जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमें इनका ऑपरेशन करना होगा, वो भी जितनी जल्दी हो सके। ऑपरेशन? ऑपरेशन क्यों, ऐसा क्या हुआ? देखिए सूरज जी, आपकी भाबो एक किडनी पर जिंदा है और वो भी रीनो वैस्कुलर डिजीज से खतरे में। अगर आम भाषा में कहूं तो किडनी को दिल से जोड़ती हुई नस में ब्लॉकेज यानी कि रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से खून का दौरा ठीक से नहीं हो पा रहा। अब इस ब्लॉकेज यानी रुकावट को निकालने के लिए हमें एक ऑपरेशन करना होगा, जो अगर जल्दी नहीं किया गया तो इनकी जान को खतरा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे बीमारी होगी? मतलब कोई वजह तो होगी ना ऐसी बीमारी की? ज्यादातर ऐसा गहरे तनाव की वजह से होता है। अपने दिल पर किसी बात का अधिक दबाव झेलने के कारण ऐसा हुआ है। क्या संतोष जी को किसी बात की परेशानी या टेंशन है? अरे के बताऊं डॉक्टर साहब, हमारे घर में ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी कि जैसे तैसे वो खत्म हुई कि दिवाली पे फिर वो। अरे डॉक्टर साहब, घर में भावो क्या हम सब इतने परेशान है कि बेचारी भावो का, ये बताओ, मतलब वो लाली माँ की सगाई में भी काफी भागदौड़ी हुई ना, तो लगे है कि जेठानी जी आ गई। फिलहाल तो आप इन्हें घर ले जाइए, हफ्ते भर की दवाइयां मैंने लिख दी, जिससे इनकी हालत में थोड़ा सुधार होगा तो ही इनका ऑपरेशन हो पाएगा, जो आपको जयपुर में करवाना होगा। जयपुर? वहां के डॉक्टर का नाम और एड्रेस मैंने स्लिप में लिख दिया है, आप हफ्ते भर के बाद का अपॉइंटमेंट ले लीजिए उनसे, और हाँ तब तक इनका पूरा ध्यान रखिए, और ध्यान रहे इनके सामने ऐसी कोई बात ना आए जिससे इन्हें तकलीफ पहुंचे। मैं चलता हूं, एक्सक्यूज मी नर्स। ऐसी हालत में कैसे बताऊं भावों को और उनकी मौत के बारे में? संध्या, भावों का ध्यान रखो, मैं व्हीलचेयर लेके आता हूं। ये किसकी डेड बॉडी ऐसे यहाँ बीच में पड़ी है? ये तो मोहित भैया की लाश है, वैसे किसी ने देख लिया तो? नहीं, अभी भावो ये सब शहरी की हालत में नहीं है। मैं सुसाइड कर देता हूँ। नहीं रुकिए, मैं वार्ड बॉय को बुलाती हूँ। वार्ड बॉय, वार्ड बॉय! सॉरी मैडम, मैं अभी स्ट्रेचर हटा देता हूँ। क्या हरकत है, साइड में। हे ठाकुर जी, इसके घर वाले ने जेस दुख सहने की हिम्मत दे देना।
बाबू मैडम वो पोस्टमार्टम के लिए मौत नहीं रिपोर्ट आ जाए तो बता दीजिएगा मुझे जी ले चलो हेलो मैडम मोहित राठी की पोस्टमार्टम की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं बल्कि सर पे गहरी चोट लगने से हुई है कैसी चोट चोट कुएं में कूदते वक्त कुएं की दीवार से सर टकराने से लगी दिखती है ये सीधा सीधा आत्महत्या का केस है मैडम वैसे कल सुबह तक फाइनल रिपोर्ट मिल जाएगी ठीक है जैसी रिपोर्ट आए मुझे बताना मुझे खबर करते रहना कम से कम सूरज जी को मुझे ये सब बताना होगा ऐसे कब तक छिपाऊंगी प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को